नमस्कार दोस्तों, काफ़ी बच्चों का कमेंट सेक्शन में क्वेरीज था कि सर 2023 का जो प्री का पेपर है उसका रिजल्ट्स कब आने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से यूपीएससी का जो सीसैट पेपर है वो काफ़ी चर्चित है, काफ़ी चर्चा में है और कई सारे बच्चे जो 2023 का प्री का पेपर दिए हैं उनको ये खासकर एक्सपीरियंस होगा कि इस साल का जो पेपर था वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था इन यूपीएससी हिस्ट्री एग्जामिनेशंस। और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा लास्ट का जो दो वीडियोस है जिसमें मैंने आपको ऑथेंटिक डेटा दिया और जिसमें मैंने आपसे ये बताया कि यूपीएससी का जो सीसैट का पेपर है वो कैट तक पहुंच चुका है, कैट विच इज़ कॉल्ड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो आपके हमारे संविधान के आर्टिकल 323A के अंदर आता है। और जो प्ली फाइल किए थे उनका ये कहना था कि जो सीसैट पेपर में 33% का जो क्राइटेरिया होता है क्वालिफाइंग इन नेचर्स करने का, 80 क्वेश्चन में 33% विच इज़ कॉल्ड 27 क्वेश्चन राइट करने का रहता है, सो वहाँ पर कहना था कि 33% से जो रिडक्शन होकर के कट ऑफ आपका 23% हो जाए। बट सवाल ये है दोस्तों कि एक नया अपडेट आया था फिर दोबारा कि कैट ने क्या किया कि इस पार्टिकुलर प्ली को जो है करने के लिए जो है रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब यूपीएससी के जो आपका प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था तो उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसको स्टे करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया कैट। आप देख सकते हैं सीधे सीधे तौर पर कि काफ़ी सारी जो मतलब के पोर्टल है स्पेशली या फिर कह सकते हैं मीडिया चैनल है जो इस न्यूज़ को जो है कवर कर रही है अलग अलग सेक्शन में, और आप अपडेटेड देख सकते हैं कि 10 जून का ये कंप्लीट अपडेट है। सो ओवरऑल सीएटी रिफ्यूजेस टू स्टे सीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट 2023 और सीसेट कट ऑफ रिडक्शन प्ली टू बी हर्ड ऑन 6th of July, विच इज़ मतलब कि इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जैसे ही मतलब इससे पहले जो पेपर हुआ आपका 2021 में या 2022 में या कह सकते हैं 2020 में और जिस टाइमिंग पे यूपीएससी का रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि आपके जून के 3rd week तक आपका रिजल्ट जो है पक्का आ जाएगा। ठीक है, रहा बात के ये जो सीसैट का प्ली फाइल्ड हुआ कैट के पास तो कैट ने डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर दिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इस पार्टिकुलर रिफ्यूज़ल में मतलब के डायरेक्टली लिखा हुआ है आपका के टू स्टे सीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट 2023 और सीसैट जो कट ऑफ का रिडक्शन है ये एक्चुअल में कहा गया है कि आपका July 6 में इसको जो है ये केस को सुना जाएगा थ्रू कैट। और मैंने कैट के रिगार्डिंग आपको डिस्कस भी किया था क्या है क्या नहीं है, तो उसका वीडियोस हमारे मतलब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और वहाँ पर दो वीडियोस है जो अपडेटेड है आपका और ये आज का जो है लेटेस्ट वीडियोस है। और इसमें मैंने आपसे ये साझा कर रहा हूँ मैं आपके साथ कि ओवरऑल एक्सपेक्टेड क्या वो इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यूपीएससी का जो सीक्वेंस होता है एग्जामिनेशन का, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो देन या आपका इंटरव्यू हो, यहाँ तक कि जो 2024 का उसका जो कैलेंडर एग्जामिनेशन का वो तक का रिलीज है। तो यूपीएससी क्या है कि आपके ऑन टाइम जो है जो भी उसका डेट रहता है स्पेसिफिक उस पर अपना वो रिजल्ट्स आउट कर देगी फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक्सपेक्टेड ये है दोस्तों कि आपके जून के 3rd week 2023 में आपका रिजल्ट्स जो है आ जाएगा। रहा बात के ये प्ली का आप क्या होगा जो आपके कैट में फाइल किया गया है, तो 6 जुलाई को देखते हैं कि सीसैट का क्या रिडक्शन होता है। और मेरे ओपिनियन से मुझे ये लगता है कि ये जो सीसैट का रिडक्शन है अगर कैट इसको एक्सेप्ट करके इसके प्ली को सुनेगी तो हो सकता है कि ये अप्लाई हो सकता है नेक्स्ट ईयर के पेपर में, ये नहीं भी हो सकता है, ये डिसीजन कैट का है और साथ साथ यूपीएससी का है और साथ साथ अब देखते हैं कि आगे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर क्या सोचती है। लेकिन राइट नाउ क्या है दोस्तों कि जो भी एग्जामिनेशन का डेडलाइन रहता है, जो रिजल्ट्स का डेडलाइन रहता है, वो उसी स्पेसिफिक डेट पे जो है आपका रिजल्ट्स आ जाएगा। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि पिछला लास्ट ईयर का जितना भी सारा एग्जामिनेशन हुआ तो वो ऑन टाइम रिजल्ट आया। यहाँ तक आप ये भी देख सकते हैं, आपको याद होगा कि COVID-19 के समय कई सारे ऐसे बच्चे थे जो कोरोना वायरस से जो है संक्रमित हो गए थे एक्चुअल में, ठीक है ना। तो संक्रमित होने से कई सारे बच्चे क्या किए थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल किए थे कि हमको दोबारा जो है मेंस का पेपर लिखने देना चाहिए, लेकिन फाइनली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और साथ साथ यूपीएससी दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया फाइनली कि आपको नहीं लिखने दिया जा सकता है, ये आप रिमेंबर रखिए। तो यूपीएससी का जो टाइमिंग रहता है या डेडलाइन रहता है वो ऑन टाइम आपका हो जाता है। और आपको भी पता है दोस्तों कि वन ऑफ द टफेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन है हमारे पूरे भारत का कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि
अगर हम टॉप एग्जामिनेशन में बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो यूपीएससी का भी एक नाम आता है हमारा दोस्तों। तो ओवरऑल क्या है दोस्तों कि एक्सपेक्टेड डेट जो है आपका वो जून के 3rd वीक तक जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि मेरा क्वालिफाई इन पर हम कर जाएंगे, तो आप काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है कि मेंस का जो आंसर राइटिंग है उसका प्रैक्टिस जो है करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज टाइम बहुत कम रहता है। और आपको पता है दोस्तों कि मेंस के पेपर में काफ़ी स्ट्रैटेजी फॉलो अप करना रहता है, और पूरे यूपीएससी के गेम में ही फॉलो अप करना रहता है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों कि क्या वो इम्पॉर्टेंट कट ऑफ रहेगा प्रीलिम्स का साल 2023 के एग्जामिनेशन में। तो पिछला साल का जो पेपर आया था उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हम लोग एक ऑर्डर वाइज समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि साल 2022 का जो रिज़ल्ट आउट हुआ था नॉर्मली आपका, तो इस साल 2022 के रिज़ल्ट में जो नॉर्मल अगर हम बात करें प्रीलिम्स के सेक्शन में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो आपका 88.22 था। और इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि EWS, इसके बाद OBC सेक्शन, देन इसके बाद SC ST, और फिर आपका PWBD, जो अलग अलग जो कैंडिडेट्स जो रहते हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स का जो सेक्शन था दोस्तों 2022 का जो कट ऑफ था, तो मुझे तो ये ओपिनियन है और कई सारे लोगों का और भी एक्सपर्ट का कहना है, कई सारे और भी जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं और इनफैक्ट हमारा भी जो एक एनालिसिस टीम है जिसके थ्रू हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल का जो कट ऑफ है वो 88.22 है, इससे कम ही रहेगा दोस्तों जनरल कैटेगरी में, ये रिमेंबर रखिएगा। क्योंकि इस बार का जो एग्जामिनेशन है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है, चाहे आप कह सकते हैं पेपर वन का या फिर कह सकते हैं पेपर टू का। तो एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि जो हमारा कट ऑफ भी रहेगा इस साल का 2023 के प्रीलिम्स का, वो लगभग मान के चलिए आपका कि 88.22 जो जनरल कैटेगरी में, इससे आपका लो ही रहेगा। और रहा बात रिजल्ट का दोस्तों, को आपका जो जून का जो 3rd वीक है मीन्स के लगभग 15 से 20 तक के जून में रिजल्ट आने का शंका है। और इसी तरह दोस्तों आप अपना तैयारी को कंटिन्यू रखिए। रहा बात के कैट में अब क्या होगा डिसीजन आपके CSAT का, तो मैंने वो भी न्यूज़ आपके साथ शो किया कि यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है दोस्तों कि कैट ने जो है आपका रिफ्यूज़ कर दिया है प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है उसके रिगार्डिंग। सो ओवरऑल अब देखते हैं 6 जुलाई को क्या होता है, लेकिन रिज़ल्ट आपका एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, हमारे साथ आप बने हुए रहिए। जितना भी सारा लेटेस्ट अपडेट रहेगा या कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगा रिगार्डिंग UPSC या इसके साथ साथ UPSC का जितना भी सारा पर्सपेक्टिव है, चाहे आप कट ऑफ कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कह सकते हैं, GS का सेक्शन कह सकते हैं, करेंट का सेक्शन कह सकते हैं, क्या वो थीम से कैसे पढ़ना है, 2024 के लिए कैसे रेडी करना है, कैडर एलोकेशन पॉलिसी क्या होता है, मेंस में हम फॉर्म कैसे डैप फिलअप करें, इसके साथ साथ कंप्लीट जो सिनेरियो है हमारे चैनल्स पे आपको मिलेगा दोस्तों। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, हमारे साथ बने हुए रहें, हमारे साथ जुड़े हुए रहें। बस आपको रिमेंबर रखना है कि कंसिस्टेंसी अपने पढ़ाई में रखना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।